हेलो, माय सेल्फ हरिशंकर मेघवाल, लेक्चरर टेक्सटाइल डिज़ाइन, GWPC उदयपुर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैब्रिक एनालिसिस। फैब्रिक एनालिसिस क्या होता है? फैब्रिक एनालिसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें नया फैब्रिक बनाने के लिए जानकारी प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि यदि हमें कोई फैब्रिक बनाना है तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए होंगे, वो फैब्रिक एनालिसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति फैब्रिक एनालिसिस करता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह सारी जानकारी सही ढंग से प्राप्त करे। यदि उस व्यक्ति द्वारा छोटी सी भी गलती हुई तो वह वीवर्स के लिए एक बड़ा लॉस कर सकती है। इसलिए फैब्रिक एनालिसिस बहुत ध्यान से करना चाहिए। फैब्रिक एनालिसिस करने के लिए कुछ स्टेप्स होती है, उनको फॉलो करना चाहिए। पहले स्टेप्स हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वार एंड वेफ्ट। दिए गए फैब्रिक का वार और वेफ्ट का पता लगाना, फैब्रिक में वार किस साइड है और वेफ्ट किस साइड है, ये पता लगाना होता है। इसके लिए भी हम चार तरीके दिए गए हैं जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि वार किस दिशा में है और वेफ्ट किस दिशा में है। पहला, डेंट मार्क इन द फैब्रिक। डेंट मार्क हमेशा वार्प डायरेक्शन में प्राप्त होते हैं जो कि डेंट स्पेस की वजह से आते हैं। यह डेंट वायर स्पेस की वजह से फैब्रिक में दिखाई देते हैं। इससे हमें वार्प डायरेक्शन पता चल जाएगी और वेफ्ट पता चल जाएंगे। बी, एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच। प्राय पाया गया है कि वार्प का जो ईपीआई होता है, ईपीआई इज एवर ग्रेटर देन पीपीआई, मतलब वार्प के धागे पर इंच हमेशा ज्यादा होते हैं और वेफ्ट की वेफ्ट जो होता है वो थोड़ा कम होता है, पीपीआई कम रहते हैं। हमेशा नहीं होता है, लेकिन कुछ फैब्रिक्स होते हैं जो स्पेशली बनाए जाते हैं उसमें पीपीआई की मात्रा ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अधिकतया ईपीआई हमेशा ज्यादा होते हैं पीपीआई से। और तीसरा,
sea, warp and weft crimp. Warp का जो क्रिम्प होता है वह वेफ्ट के क्रिम्प से ज्यादा रहता है, इससे हमें वार्प और वेफ्ट का पता चल जाएगा। डी टाइप्स ऑफ यार्न यूज्ड इन फैब्रिक मोस्टली पाया गया है कि वार्प में प्लाई यार्न यूज करते हैं और वेफ्ट में सिंगल यार्न। इस तरह हमें वार्प और वेफ्ट का भी पता चल जाएगा कि किस तरह वार्प है और किस तरह वेफ्ट है। नेक्स्ट स्टेप आती है दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच। हम काउंटिंग ग्लास द्वारा फैब्रिक स्वाच पर रख कर ईपीआई और पीपीआई ज्ञात करेंगे। ईपीआई अधिकतया पीपीआई से ज्यादा होते हैं। काउंटिंग ग्लास द्वारा इसकी मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी स्टेप आती है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ जीएसएम ऑफ द फैब्रिक। जीएसएम से तात्पर्य है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 into 1 meter कपड़े का वेट। यह हम जीएसएम कटर की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड चौथी स्टेप आती है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ वार्प एंड वेफ्ट काउंट। वेइंग बैलेंस द्वारा वार्प और वेफ्ट के धागों का काउंट चेक करेंगे। वार्प में काउंट क्या आता है, और वेफ्ट में काउंट क्या आता है, इसके लिए हम वेइंग बैलेंस लेंगे जिससे उसका के वेट चेक करके काउंट प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी
determination of the degree of twist in warp and weft yarn and twist direction. हमारा जो फैब्रिक दिया गया है स्वेच, उसमें जो यार्न दिए गए हैं वार्प और वेफ्ट, वार्प में क्या ट्विस्ट है ये पता करेंगे, वेफ्ट में क्या ट्विस्ट है ये पता करेंगे, और इन दोनों में ट्विस्ट की डायरेक्शन क्या है ये पता लगेंगे, ट्विस्ट पर इंच प्राप्त करेंगे, पर इंच प्राप्त करेंगे, जिससे हमें मशीन पर जब बनाना होता है तो कितने पीपीए देने होंगे ये यहां हमसे पता चलेगा, और कौन सी एस डायरेक्शन है या जेड डायरेक्शन है ये पता लग जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा यान बना हुआ है, वार्प किस कौन सी वार्प की डायरेक्शन क्या है और वेफ्ट की डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ वार्प एंड वेफ्ट क्रिम्प, वार्प और वेफ्ट क्रिम्प, ये आपको एक स्वच दिया गया है, ये फैब्रिक की विड्थ है, ये फैब्रिक की लेंथ है एल, विड्थ में पिक्स होते हैं और लेंथ में वार्प होते हैं, तो वार्प क्रिम्प फैब्रिक लेंथ माइनस फैब्रिक स्वच लेंथ फैब्रिक स्वच लेंथ इनटू 100। इस फॉर्मूले से हमें प्राप्त हो जाएगा कि क्रिम परसेंटेज वार्प में कितना है। मान लीजिए आपका फैब्रिक स्वच दिया गया था, उसकी लंबाई थी L, जब इसको स्ट्रेट किया गया तो इसकी लंबाई हो गई X, बढ़ गई, तो इसका क्रिम परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वार्प क्रिम परसेंट L प्लस X माइनस L अपॉन L इंटू 100। इससे आपको क्रिम परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा वार्प का। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कि वेफ्ट का क्रिम्प, वेफ्ट क्रिम्प परसेंट का फॉर्मूला है, पिक्स को स्ट्रेट करके माइनस फैब्रिक की जो विड्थ है दी गई उसको माइनस करेंगे अपॉन फैब्रिक विड्थ इनटू 100। इस फॉर्मूले से हमें वेफ्ट क्रिम परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका फैब्रिक की विड्थ है W, जब इसमें से एक पिक निकाला गया और उसको स्ट्रेट किया गया तो उसमें x वृद्धि हुई, तो वेफ्ट का क्रिम परसेंटेज निकालने के लिए W प्लस x माइनस W अपॉन W
इंटू 100। इस फॉर्मूले से हमें प्राप्त हो जाएगा कि वेफ्ट क्रिम परसेंटेज कितना आया। फैब्रिक एनालिसिस करते करने के लिए नेक्स्ट स्टेप आपको मिलती है 7 नंबर की, जिसमें वार्प और वेफ्ट का पैटर्न क्या है, अर्थात वार्प और वेफ्ट में जो धागे लिए गए हैं उनका पैटर्न क्या है, कलर पैटर्न, क्या है कैसा अरेंजमेंट है, ये प्राप्त करना होता है, जिससे हम मशीन पे सेट कर सकें कि कितना कलर आया है, कैसे रखा है। जैसे मान लीजिए कि हमने वार्प का पैटर्न रखा है 4 धागे रेड, 4 धागे ब्लैक और वेफ्ट का पैटर्न रखा है 2 रेड एंड 2 ब्लैक। तो मशीन पे हम जब डिज़ाइन बनाएंगे, सेट करेंगे, तो हम पिक्स और वार्प का अरेंजमेंट ऐसे वार्पिंग में कर लेंगे, वार्पिंग में अरेंजमेंट इस तरीके से रखेंगे और पिक्स में अरेंजमेंट इस तरीके से रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी 8 नंबर, जिसमें हम फैब्रिक में कौन सी वीव यूज की है, इसका पता लगाएंगे। मान लीजिए आपको कोई फैब्रिक दिया, उसमें वीव कौन सी है, बिना इसके पता लगाए हम फैब्रिक नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमको उसका वीव क्या है ये पता लगाना होगा। काउंटिंग ग्लास की सहायता लेकर के हम इसकी वीव रिपीट का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी फैब्रिक सेल्वेज, अलग अलग फैब्रिक में अलग अलग प्रकार के सेल्वेज यूज किए जाते हैं। सेल्वेज की विड्थ कितनी है, उसमें कौन सा धागा यूज किया गया है, उसका काउंट क्या है और उसका पैटर्न क्या है, ये सब पता करके हम सेल्वेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हम इसकी सूचना एकत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी स्टेप नंबर 10, जिसमें आपको फैब्रिक जो बना है उसमें जो यार्न या फाइबर लिया गया है वह कौन सा है, ब्लेंड है तो ब्लेंड परसेंट कितना है,
यह सब केमिकल टेस्टिंग और फिजिकल टेस्टिंग द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हम 10 जो स्टेप्स हैं उनसे पता लगा करके हम फैब्रिक जो बनाना है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया फैब्रिक एनालिसिस कहलाती है। पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के पश्चात हम फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।